बहुत ही प्यारा सॉन्ग है और उसके वर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं और उसको शूट भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। अच्छा, अगर इस इंटरव्यू को हर हर गंगे के मेकर देख रहे होंगे डायरेक्टर, आप लोग जानते हैं लोग 20 अक्टूबर के रिलीज होकर था बड़े भैया पवन भैया के फिल्म हर हर गंगे, वो फिल्म से दर्शक से लेकर पूरा इंडस्ट्री की आशा बा कि सिनेमा हॉल में दर्शक धीरे धीरे आ रहा बने। पावर स्टार पवन सिंह के गाना झमकौला से हुए रिलीज होते ही कल्लू और स्मृति सिन्हा ने दिया बड़ा बयान। तो क्या खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो बेशक अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते ना सपोर्ट करते, काफी हम लोग मेहनत करते। गाना रिलीज से पहले काफी लोग कह रहे थे कि गाना पावर स्टार पवन सिंह ने विवाद के लिए बनाया है, पावर स्टार पवन सिंह इस गाने को विवाद करवाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गाना सुनने के बाद सबके पसीने छूट गए कि हाँ वाकई में पावर स्टार पवन सिंह ने जो कर दिया है भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कोई नहीं कर पाएगा। बेशक अगर बात की जाए तो पावर स्टार पवन सिंह का डायलॉग ही हिट था, लेकिन ये गाना आने के बाद हर हर गंगे मूवी का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। काफी लोग बहुत ज्यादा चौंक भी गए कि हाँ वाकई में पावर स्टार पवन सिंह जी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि पावर स्टार पवन सिंह की फिल्म हर हर गंगे का प्रमोशन नहीं हो रहा है। लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये गाना 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आप लोग हमें 100% कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, क्योंकि 100 मिलियन व्यूज क्रॉस तो फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाला है। तो आप लोग